द केरला स्टोरी टीजर रिलीज के पहले दिन से ही विवादों में है। क्या है वो विवाद और क्या है स्टोरी की सच्चाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द केरला स्टोरी में केरल की महिलाओं के एक समूह की एक कहानी बताई गई है जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है और इस्लामिक स्टेट ISI में शामिल हो जाती है। फिल्म लव जिहाद के षड्यंत्र सिद्धांत पर आधारित है जिसमें दावा किया गया है कि केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है और ISI में भर्ती किया जा रहा है। यह फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी और इसने अब तक 201.7 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है और ये आंकड़े आज तक के हैं। 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म को डायरेक्ट सुदीप्तो सेन ने किया है और सूर्यपाल सिंह, सुदीप्तो सेन, विपुल अमृतपाल शाह द्वारा ये फिल्म लिखी गई है। ये तो थी जनरल नॉलेज वाली बात, अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में कितनी सच्चाई है और कितनी ये फिल्म हवा में है। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक ये फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उनके ISI में आतंकी बनने की एक कहानी है। लेकिन इन दावों में सच कितना है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल के अंदर 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित होने का दावा करती है? लेकिन दिखाए गए आंकड़े 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता होने की सटीकता किसी भी तरह से सच नहीं दिखाई देती। यह फिल्म केरल की 4 लड़कियों के लापता होने की एक कहानी जो 2016-2018 के बीच इस्लाम में परिवर्तित हो गई और ISI में भर्ती हो गई। फिल्म में दावा किए गए आंकड़े गलत हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कुल 100-200 से अधिक भारतीय ISI में शामिल ही नहीं हुए। खैर, हम अब इस फिल्म पर बात कर लेते हैं। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों का जो गायब होने का आंकड़े हैं वो सही नहीं है। अब ये आंकड़े कुछ हैरान कर देने वाले हैं कि हाँ भाई, निर्देशक ही बता रहे हैं कि ये आंकड़े सही नहीं है और फिल्म में उन्होंने ये आंकड़े बताए हुए हैं। उनका कहना है कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी एक बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 3200 जबरन धर्म परिवर्तन की संख्या तक पहुंचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल के अंदर ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। वहीं देश की जानी मानी फैक्ट चेक एजेंसी ऑल्ट न्यूज ने इन आंकड़ों को फर्जी बताया था। उनके अनुसार जब उन्होंने इस बारे में सेन से अधिक जानकारी और डेटा मांगा तो सेन ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपना डेटा शेयर करूंगा, मैं अपनी फिल्म के मकसद को ऐसे ही जाया नहीं होने देना था। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के दावों के बाद भी कुछ बातें जो हैं इस फिल्म की कहानी को सही ठहराती हैं। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई कि भारत की 4 महिलाएं अफगानिस्तान के जेल में बंद हैं। बाद में ये बताया गया कि वे ISI में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी वहाँ। बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई, उन्हें एक अफगान जेल में डाल दिया गया। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 के केरल के 21 लोगों ने इस्लाम स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल लिया था। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि उसने जब देश छोड़ा तब वो 8 महीने की गर्भवती थी। BBC की एक और रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे बताया कि किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन हमारा अनुमान है कि 10-15 से अधिक महिलाएं नहीं होंगी जो 2016 से केरल से ISI में शामिल होने के लिए धर्मांतरित के बाद देश छोड़कर बाहर गई। हालांकि ये माना गया है कि केरल से लड़कियां गायब हुई हैं। द केरल स्टोरी जैसी फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बनाई जा रही है। न्यूज 18 की विशेष रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथी संगठनों का युवा लड़कियों को तैयार करना या केरल में
प्रलोभन के जरिए लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए राजी करना कई मायनों में एक समान है। ऐसा उग्र अपराध दुनिया में कई देशों में हो रहा है। इस विषय पर दुनिया भर में कई फिल्में बन रही हैं, जिनमें इस्लाम को मानने वाली चरमपंथी संगठनों का एक ही लक्ष्य दिखाया गया है। अधिकांश फिल्में या डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किशोरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने धर्म से इस्लाम धर्म में कबूल करवाने को कहा जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल कर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्हें उनके ही पुराने धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए ISI ने दुनिया भर में युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया। इसके बाद ISI ने भर्ती कर उनका आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया। इस फिल्म में लव जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर दिखाया गया है। बीते कुछ सालों में लव जिहाद शब्द कई मामलों में सुनने को मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द पहली बार किसने दिया था? तो जान लीजिए कि भारत में पहली बार केरल के ईसाई गिरजाघरों ने लव जिहाद का शब्द दिया था। चर्च का कहना था कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी लोगों की कार्यप्रणाली में लव जिहाद भी शामिल हो रहा है। समय के साथ इसका स्वरूप और नाम बदलते बदलते आगे बढ़ता गया, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य धर्म को परिवर्तित कराना ही है। यहाँ तक की कहानी अब आपको समझ ही आ गई होगी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सांप्रदायिक गलत सूचना के प्रचार के लिए फिल्म पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता केरल को बदनाम करने के संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और लव जिहाद के विचार प्रसार पर काम कर रहे हैं, जो कि एक हिंदुत्व षड्यंत्र का हिस्सा है। इस सब के बाद ममता दीदी ने फिल्म को अपने एरिए में चलने से रुकवा दिया था। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पर गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी से पूछा कि क्या समस्या है, ये फिल्म क्यों नहीं चल सकती, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को आज ही तमिलनाडु और बंगाल में चलाया जाए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी कई कहानियाँ और डीप स्टोरीज पता चलती रहें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।